आप्यायन्तो ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वा सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यम् मामा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणमेऽस्तु तदात्मनि निरतेयोपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्तिः 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 शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवान् बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति छांदोग्य उपनिषद के तृतीय अध्याय के कौन सा खंड है? त्रयोदश, त्रयोदश खंड है। हार्त ब्रह्म की उपासना का प्रकरण है ये। उसकी उपासना मुख्य अंगी है और उसका अंगभूत उपासना द्वारपाल की उपासना है। तो चार नंबर हो गया मंत्र ना? हाँ, पंचम मंत्र चलेगा। हृदयस्य ऊर्ध्वछिद्र वैशिष्टेन उदानो वायुर् आकाशश्च इति त्रितयम् अन्योन्य संबंधम् उपास्यम् इत्याह अथ यस्य। हृदय है उपासक का, जिस हृदय में परब्रह्म अभिव्यक्त होता है, ऐसे हार्द ब्रह्म के हृदय में जो छिद्र है, ऊर्ध्व में छिद्र, उससे वैशिष्ट्य तत्सम्बन्धी, वैशिष्ट संबंध को बोलते हैं छिद्र वैशिष्ट ना, उसमें उदान है, उदान तो उदान है और बाह्य वायु वो अंदर भी है वायु और आकाश है, ये तीन हो गए, उदान वायु और क्या है आकाश, त्रितयम तीन हो गए। पहले की तरह अन्योन्य संबंधम, परस्पर में संबंध है, ऐसा चिंतन करना चाहिए उपास्यम। तो ऊर्ध्व क्षेत्र में जो देवता है ना, वो उदान है, उसका एकत्व है वायु के साथ आकाश के साथ। अथ योऽस्योर्ध्वः सुषिः स उदानः, स वायुः, स आकाशः, तदेतदोजश्च महश्चेत्युपासितोऽज्वसि तोऽज्वसि महस्वान् भवति य एवं वेद। तब पूर्व द्वारपाल के
द्वारपाल का चिंतन करने के बाद अब जो है हृदय में जो अस्य अश्चल हृदय यो ऊर्ध सुशी ऊपर भाग में होने वाला जो सुशी है छिद्र, तो उसमें कौन देवता है? उदान स उदान। और बाह्य वायु से वो भिन्न नहीं, वायु कहा सब वायु हो, और आकाश भी आकाश उसका आधार है, उदान आधेय है, तो स आकाश और वो परब्रह्म है, उसकी उपासना की जा रही है, क्योंकि परब्रह्म का साक्षात्कार करना है, नहीं तो प्रतिबंध हो जाएगा मुख्य उपासना के लिए। तो उसकी उपासना करें विधान किया जा रहा है। इस गुण से ओज और मह, ओज गुण से ओज है बल, बल है, म है प्रकाश, इस गुण से उपासना करे। वो तो क्या होगा बोलते हैं, उपासक भी उपासक को यही फल मिलेगा, दृष्ट फल, ओजस्वी हो जाएगा, बहुत बल मिलेगा। और क्या होगा, महान महस्वान भवती, वो महान हो जाएगा, श्रेष्ठ होगा। और यहाँ पर क्या दिया हिंदी में, जो इस प्रकार उदान संयोग ब्रह्म की उपासना करता है, आई क्या लिखा है, वह बलवान होता है। और क्या होगा, बलवान हो, वह बलवान और महान दिया है, हाँ महान ठीक है, तेजस्वी नहीं, वो तेजस्वी नहीं, यहाँ पर तेजस्वी अर्थ नहीं, हाँ महान करिए हो, श्रेष्ठ महान श्रेष्ठ होकर क्या ठीक तेजस्वी यहाँ पर ठीक नहीं। भाष्य देखो भाई, अथ यो अस्य ऊर्ध्वसु सि स उदान, उदान कौन है, यही है, आपाद तलाद आरभ्य ऊर्ध्वम ऊर्ध्वम उत्क्रमणात् उत्कर्षार्थम च कर्म कुर्वन् अनिति इति उदान स वायुः। तो पांव से लेकर के ऊपर तक ऊर्ध्व उधर उत्क्रमण करने वाला वायु विशेष, उत्कर्ष कर्म के लिए उत्कर्षार्थम कर्म कुर्बान ऐसा करता हुआ जो चेष्टा करता है, अनिति अन प्राण नहीं है, तो इसलिए का उद उपसर्ग है तो उदाहरण बन जाएगा, है ना, उद उपसर्ग और क्या करेंगे, अन अन है धातु, आय घ प्रत्यय, तो पहले की तरह हुआ, अन के वकार को वृद्धि होने पर आ बन जाएगा उदाहरण। अच्छा, उत्क्रमणात् उत्क्रमणात् उदान इति संबंध, उत्क्रमण करने से इसका नाम हो गया उदान, उद उपसर्ग हुआ ना, ऐसा उत्क्रमणात् उसके साथ उदान, उदान के साथ अन्न है, उदाने तृप्यति वायुस्तृप्यति, ऐसा वाक्य विशेष आता है। तो जो विराट के जो उदान है ना, वो तृप्त होने पर सब तृप्त हो जाते हैं, वायु तृप्यति, इस वाक्य से इसको लेकर के आश्रित्य आह सब वायु हो, उदान वायु तो है, सब वायु हो, तद आधारश्च आकाश, वायु का आधार क्या है, आकाश है, हैं? सब सबका आधार आकाश ही होता है। तद एतद वायु आकाशयोर, ये जो वायु है आकाश है, ओज हेतुत्वात्, वो ओज है बल का हेतु होता है, ओज क्या है यहाँ पर, बलम बल है, महत्वाच महान होने से, अजी हाँ हाँ महान यहाँ पर का ठीक है। तद एतक उदानाक्ष, ये देखो उदान की उपासना हो रही है ना, तो परब्रह्म, ये देखो ब्रह्म बोल दिया,
स्तुति करने पड़ते हैं ना, नौकर की भी स्तुति करने पड़ती है महंत बोलकर के। इसी प्रकार ये द्वारपाल ना, द्वारपाल सब अगले मंत्र में बताएंगे, सब द्वारपाल है, परब्रह्म की प्राप्ति का साधन है। ये बोलते हैं ब्रह्मा पूर्वावत, पहले की तरह ऐसा गुण होगा, ओजह महश्च इत्याभ्याम इति आभ्याम। एक ओज गुण हो गया, दूसरा मह गुण हो गया, दो गुण से विशिष्टम, दो गुण श्रेष्ठ विशिष्ट हो गया कौन, उदानाख्य ब्रह्म। उस प्रकार उपासना करें उपासित इति संबंध। उक्त गुण द्वयम, दो जो गुण है ओज गुण और मह गुण, तो उसका निर्देश किया वायु आकाशयो, वायु और आकाश है ओज हेतुत्वात्। वायु के बिना और आकाश के बिना कोई ओज तो होगा नहीं, बल तो होगा नहीं। ओजस्य इत्यादि वाक्यस्य समानम अन्यत कारण भाष्य में, तो ओजस्य इत्यादि वाक्यस्य, ये जो मंत्र है ओजस्वी महस्वान भवति ये एवं वेद, इसका अर्थ पहले की तरह, ये सब दृष्ट फल होता है, परमात्मा की प्राप्ति अदृष्ट फल है, ये सब दृष्ट फल है। इसलिए पहले की तरह कीर्तिमान, जैसे पूर्व में कहा ना कीर्तिमान होता है, उस वाक्य के साथ तुल्यार्थत्वम तुल्यम अर्थो यस्य, है ना, हाँ तत् तुल्यार्थम। ओजस्व इत्यादि वाक्य में तुल्यार्थत्व रहेगा कृत। क्या कह रहे कहाँ ये अमर क्वेश्चन क्या बताया, नहीं यहाँ पर क्या अर्थ बैठेगा वो उत्सव, उत्सव उत्सव और तेज किसका मास, मास उत्सव। अरे वे वो बात नहीं, हाँ प्रकाश ठीक है, हाँ प्रकाश अर्थ अच्छा है, प्रकाश अर्थ वो अच्छा है, प्रकाश ठीक है, प्रकाश करो श्रेष्ठ करो, सीधा सीधा अर्थ है, और क्या है, है? वो महान हो जाता है, मतलब क्या श्रेष्ठ होता है, उसका नाम खूब बढ़ेगा। अरे भाई वो अर्थ अर्थ वही बैठेगा, हाँ अर्थ वही बैठेगा ऐसा। चलो आगे बढ़ते हैं, हाँ ये हो गया। अगला देखो, अब कहते हैं तस्य हवा एतस्य इत्यादिना उक्तम अनुवदति। देखो पहले था ना भाई, वहीं से प्रारंभ किया तस्य, हाँ कौन सा मंत्र था, यही पहला मंत्र तस्य हवा एतस्य हृदयस्य, वहीं से था ना, है प्रथम मंत्र था, ठीक है यहीं से प्रारंभ किया। इसके द्वारा जो कहा गया पहले उसका अनुवाद करते हैं, उसका अनुवाद करके उपक्रम उपसंहार में क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। प्रथम मंत्र में जो कहा गया उपसंहार में वही कहा जा रहा है, ये दोनों का अर्थ क्या होगा, एक हो जाएगा, ठीक। ये बोलते हैं तेवा एते पंच ब्रह्म पुरुषाः, सर्वस्य लोकस्य द्वारपाः, सय एतानेवं पञ्च ब्रह्मा पुरुषान् सर्वस्य लोकस्य द्वारपान् वेदास्य कुले वीरो जायते प्रतिपद्यते सर्गं लोकं येतान् एवं पञ्च ब्रह्मा पुरुषान् सर्वस्य लोकस्य द्वारपान् वेद। हाँ देखो
ते वै एते पंच, ये पांच है, पांच ये पांच कौन है? मामूली आदमी नहीं है लोग, परमात्मा के देव, परमात्मा के द्वारपाल ही है, मामूली नहीं है। ये जो कहते हैं ब्रह्म पुरुषाः, ब्रह्म है परमात्मा, हार्द ब्रह्म, ठीक, इसके द्वारपाल ही है, इसलिए ब्रह्म पुरुषाः। स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपाः, ये स्वर्गलोक हो गया परमात्मा, सप्रकाशमान जो परमात्मा है, मोक्ष स्वरूप आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, उस परमात्मा की प्राप्ति के क्या है ये द्वारपाल है, द्वारपा, ठीक है, द्वारन पाती इति द्वारपाः, बहुवचन में द्वारपाः, प्रातिपदी क्या द्वारप, बहुवचन में द्वारपा, ठीक, द्वार की रक्षा करने वाला ये सब। स्वर्ग लोग यहां पर परमात्मा लेना है। अच्छा, स यह जो कोई उपासक हो, एतान एवं पंच ब्रह्म पुरुषान, ये परमात्मा की प्राप्ति के ये द्वारपाल है, ये ले ब्रह्म पुरुषा, ब्रह्मण पुरुषा इति ब्रह्म पुरुषा, तान ब्रह्म पुरुषान, ये द्वारपाल ये पांच। स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान, देखो विशेषण हुआ ब्रह्म पुरुषान का, स्वर्ग लोक परमात्मा है, उसकी प्राप्ति के लिए द्वारपाल है ये, उसके जो उपासना करता है, वेद मतलब उपासना करता है, उपासक के कुल में जो है ना वो पुत्र उत्पन्न होगा, गृहस्थ हो तो पुत्र उत्पन्न होगा, तो अस्य कुले वीरो जायते, उपासक के कुल में ये पुत्र उत्पन्न होगा, वीर पुरुष उत्पन्न होगा, ये कमजोर नहीं, डरपोक नहीं, भेड़ बकरी से भी डरता हुआ ऐसा नहीं, मतलब उत्तम पुरुष उत्तम पुत्र उत्पन्न होगा। तो बोलते हैं कि परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है तो पुत्र से क्या संबंध है? देखो, पुत्र प्राप्ति भी ब्रह्मलोक प्राप्ति का साधन है, पितृऋण से मुक्त हो जाएगा ना, पितृऋण से मुक्त होगा, हाँ, फिर उपासना में उनका मन लगेगा, ये ही पर ऐसे कहा जा रहा है। प्रतिपद्यते स्वर्गम लोकम, येतान एव पंच ब्रह्म पुरुषान सर्वस्य लोकस्य द्वारपान वेद, ये है अदृष्ट फल, उपासना करेगा तो परमात्मा को प्राप्त कर लेगा वो। स्वर्गम लोकम, स्वर्गलोक यहाँ पर परमात्मा, परंपरा से स्वर्गलोक जो परमात्मा है उसको प्राप्त करेगा, प्राप्त करता है, प्रतिपद प्राप्त किया जाता है कौन, जो उपासना करेगा, ठीक, परमात्मा के द्वारपाल जो है स्वर्गलोक के द्वारपाल है, उसकी जो उपासना करेगा परमात्मा की प्राप्ति, ये हो गया मुख्य फल, मुख्य फल, और पुत्र की प्राप्ति ये मुख्य फल नहीं, गौण फल है। इसलिए केवल पुत्र की प्राप्ति नहीं, जो उपासना करेगा ना वो पहले कर्म भी करता है, कर्म के साथ साथ उपासना करता है, इसलिए स्वर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषण साधना च भवेत पुंसम वैराग्यादि चतुष्ट, ये सब बाकी वर्णाश्रम के अनुसार कर्म भी करेगा तब तो जाकर उपासना का अधिकारी बनता है। भाष्य देखो भाई, तेवा एते यथोक्ताः पंच सुषि संबंधात्, पंच ब्रह्मणो हार्दस्य पुरुषाः राजपुरुषाः एव, पंच सुषि इसमें दिया पंच मुषि, मुने चाहिए सु, पांच छिद्र है हृदय में, उसके संबंध से ये द्वारपाल है पांच, पंच ब्रह्मणो हार्दस्य परमात्मा है हार्द ब्रह्म, तत्सम्बन्धी ये पुरुष है, तो ये द्वारपाल की तरह है, जैसे राज पुरुषा एव द्वारस्थः, जैसे राजा के पुरुष होते हैं
उसके नौकर वो द्वार में रहते ना, द्वारस्था द्वारे तिष्ठन्ते थे द्वारस्था प्रातिपदिक द्वारस्थ सुपिस्थ सुबंत पद रहते स्था धातु से क प्रत्यय होता है क स्था के आ का लोप आतोलोप इट इज इसलिए द्वारस्थ बन जाएगा बहुवचन में द्वारस्था। जैसे राजा के पुरुष होते हैं द्वार में रहते हैं, इसी प्रकार ये है स्वर्गस्य हार्दस्य लोकस्य। स्वर्ग जो हार्द ब्रह्म है, लोक प्राप्तव्य है सुख स्वरूप, उसके द्वारपाल द्वारपा का अर्थ हो गया द्वारपाल। कथम ब्रह्म पुरुषा, ब्रह्म के पुरुष कैसे हो गए देवता लोग, मतलब राज पुरुष ही वो, ऐसा कहा। व्यपदिश्यन्ते इत्यर्थ, ऐसा कहा जाता है राज संबंधी पुरुष को, जैसे द्वारस्थ होने से राजपुरुष कहा जाता है, इसी प्रकार ये द्वारपाल है परमात्मा के, इसलिए उसको ब्रह्म पुरुष बोल दिया। व्यपदिश्यन्ते का अर्थ कथ्यन्ते, आज व्यपदिश्यन्ते शब्द प्रयोग किया जाता है कथ्यन्ते। तेषाम द्वारपालत्यम, इसको द्वारपाल बोलते हैं, इसका थोड़ा विस्तार से कहा। एतेर ही चक्षुः श्रोत्र वाङ् मनः प्राणैर् बहिर्मुख प्रवृत्तैर् ब्रह्मणो हार्दस्य प्राप्ति द्वाराणि निरुद्धानि। देखो नारायण, ये चक्षु श्रोत्र आदि जो इंद्रियां होते हैं ना, ये सब बहिर्मुख जब हो जाते हैं, ये कहा बहिर्मुख प्रवृत्ति, इंद्रियां जब बहिर्मुखी हो जाती है तो परमात्मा की प्राप्ति का द्वार दरवाजा बंद, दरवाजा बंद हो जाता है ना। वेदांत का भी विचार नहीं कर सकता है ना, उपासना जब नहीं कर सकता तो वेदांत का विचार क्या करेगा, ठीक है। अंतर्मुखी कुछ नहीं कर, ये बहिर्मुखी कुछ नहीं कर सकता है, ना उपासना कर सकता है ना जो है वेदांत का विचार कर सकता है, इसलिए सारे दरवाजा बंद है। ये बोलते हैं देखो, चक्षु श्रोत्र वाग् मनः प्राणैर् बहिर्मुख प्रवृत्ति ही, बहिर्मुख में होकर प्रवृत्त होंगे तो द्वार बंद हो जाते हैं। ब्रह्मण हार्दस्य प्राप्ति द्वाराणि, परमात्मा के परमात्मा हार्द ब्रह्म, उसकी प्राप्ति का जो द्वार है, द्वार के अंतकण तो है। इंद्रियां जब बहिर्मुखी होगी तो मन चंचल हो जाता है, तो विक्षिप्त मन में उपासना होती नहीं, परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं होगी। उपासना क्या करेगा, विविदिशा ही नहीं उत्पन्न होगी। इसलिए बोलते हैं प्राप्ति द्वाराणि निरुद्धानि, प्राप्ति के दरवाजे सब बंद है, बंद है सब। अच्छा, तत्र इसके विषय में स्वानुभवम प्रमाणयति, अपना अनुभव को भी प्रमाण के रूप से दिखा रहा है। स्वानुभवम प्रमाणयति, अपना अनुभव ही है, भगवान भाष्यकर बता रहे हैं। क्या जी, अरे उनका भी साधक का भी, और क्या। आपका भी। चलो, प्रत्यक्षम ही एतद अधित करणतया बाह्य विषया असंगा नृत प्रतिढत्वात् न हार्दे ब्रह्मणि मनस्तिष्ठति। देखो ये अनुभव है, ठीक, अनुभव होता है तो बोलते हैं कि एतत् अजित करणतया प्रत्यक्षम ही एतत्, ये चीज तो है प्रत्यक्ष है। क्या प्रत्यक्ष है देख लो, बताते हैं कि अजित करणतया, जिसने करण को इंद्रियादि को जीता नहीं, वशीभूत किया नहीं, ठीक है ना। संसार अनित्य है, संसार विनाशी है, संसार मिथ्य, ऐसा सामान्य बोध भी ना हो तो इंद्रिया तो बाहर दौड़ती है। इसलिए बोलता अजित करणतया,
अजितानि कर्णानि अजय हाँ तो फिर क्या हुआ, क्या सुने फिर आप? आज सुनते नहीं, ऐसा ना करो, विक्षेप ना करो। कोई शंका हो तो पूछो, कोई नहीं पूछता, आप क्यों पूछ रहे हो? जो उचित शंका हो पूछो, मना नहीं, विक्षेप ना करो। तो अजितानि कर्णानि यही, ठीक, ते अजित करना, मतलब जिसने कर्ण को, इंद्रियों को नहीं जीता उसको बोलते हैं अजित करना, ओके ना। उसका धर्म होगा अजित कर्णता, मतलब अजित करना, जिसने कर्ण को नहीं जीता इसलिए अजित कर्णतया बाह्य विषया असंग अनृत पत्युढ़त्वा। ये देखो लिखते हैं भाई, विषय है बाहर, बाहर विषय हो गया मतलब अनात्मा, बाह्य विषय से यहाँ पर अनात्मा लेना है, ठीक। तो बाह्य विषय में जो हो गया आसंग, मतलब आसंग तो आसक्ति, आसक्ति हो गई, तो आसंग होने के कारण है ना, अनृत प्रत्यढत्वाद। देव की क्या बोलते हैं यहाँ पर है, अनृत है मिथ्या, मिथ्या वस्तु में क्या हो गया, प्रत्युढ़ हो गया, प्रत्युढ़ मतलब आसक्त हो गया, ठीक है। आसक्ति के कारण मिथ्या वस्तु में वो व्यक्ति क्या हो गया, आसक्त हो गया, अनृत प्रत्युढ़, अनृते प्रत्युढ़, यदि अनृत प्रत्युढ़, अनृत बोलते हैं मिथ्या को, ठीक, प्रत्युढ़ बनेगा ऐसे, प्रति वह आगे त, ऐसा करिए, प्रति उपसर्ग वह धातु से त करेंगे तो बन जाएगा कैसे, प्रत्युढ़ कैसे होगा भाई, वह के वकार को संभाषण करो, और क्या संभाषण करो तो फिर उकार हो जाएगा, संप्रसारण जैसे पूर्व रूप होगा भाई, है ना। तो फिर जो है उह है ना, उह के बाद क्या है, तो विचार तो करो, फिर हो ढ से ढ को ढ हो जाएगा, तकार को ध होगा, झसस्त तुर दो ध हो जाएगा, और ढोड़े हाँ पूर्व ढकार का क्या होगा, लोप हो जाएगा, ढोड़े लोप, और ढोल भी पूर्व से दीर्घण हो गया, ये प्रक्रिया, ठीक है। इसलिए ऊ को दीर्घ हो गया तो बन जाएगा प्रति ऊपर लगा दो, मतलब प्रत्युढ़, ठीक है ना, प्रत्युढ़ हो जाएगा। और यदि प्र उपसर्ग लगा देंगे तो क्या होगा, क्या होगा, जोर से बोलो, प्रो कह रहे कि प्रो, क्या बोल रहे हैं, वो नहीं होगा, प्रो होगा, कैसे होगा, परा दो हो ढो पड़ेगी नहीं असंधि में, तो प्र प्लस उड़ा क्या बनता है, वृद्धि हो जाता है, प्रो उड़ा बनेगा, प्र लगा देंगे तो क्या बनेगा, उगुण नहीं होगा, प्र का अ आगे क्या है, उड़ा, तो क्या होता है, हाँ प्रौढ़ बनते का, प्रौढ़ नहीं बनेगा, ठीक। अभी तो प्रति है, प्रति होने से प्रति के इकार को यण हो गया, प्रत्युढ़ मतलब क्या, आसक्त, ठीक, मिथ्या वस्तु में वो आसक्त हो गया, फंस गया वो व्यक्ति, इसलिए क्या हुआ, न हार्दे ब्रह्मणे मनस्तिष्ठते, हार्द ब्रह्म में वो मन लगता नहीं उसका, उपासना में मन नहीं लगता है, ये कह रहे हैं। और ये चीज जो है ना वो प्रत्यक्ष है, अनुभव है, ये सब साधक को महापुरुष को ये अनुभव है ना, ये बोलते हैं। इसके ऊपर टीका है थोड़ी सी ले लो, विवेक वैराग्याभ्याम, विवेक होना चाहिए और वैराग्य होना चाहिए, ठीक, और जितना विवेक होता है उतना वैराग्य होता है, और जितना वैराग्य होगा उतना विवेक बढ़ता है, एक दूसरे के सहकारी है ऐसा होता है,
इसलिए विवेक वैराग्य व्यम तन निरोध बोलते कि नहीं, जब सूत्र विवेक वैराग्य द्वारा मन शांत होता है। विवेक वैराग्य व्यम वशीकृत श्रोतादि करणा ग्राम उपतत्वा भावा, वशीकृत हो गया, वशीभूत हो जाते इंद्रियां, श्रोत्रादि करणा ग्राम है, कौन सा गांव, हरिद्वार है कि ऋषिकेश, ग्राम मतलब समुदाय बोलते हैं यहाँ पर, ग्राम यहाँ पर समुदाय अर्थ है। तो श्रोत्राधिकरण जो समुदाय है वो वशीकृत हो गए, ठीक, उससे युक्त होता है साधक, किससे होता है, विवेक वैराग्य से युक्त होता है। और यदि नहीं हुआ अभावात, यदि नहीं हुआ तो क्या होता है, फिर आसक्त हो जाता है और क्या, संसार में फंस जाता है वो। ये बोलते हैं देखो, परोक्ष शब्दादि विषय आसंग रूपांतरिता क्रांतत्वाद इत्यर्थ, बहुत सुंदर विचार कर दिया अभी एक ही पंक्ति में। परोक्ष शब्दादि विषय, ये शब्दादि जो विषय है इसको परोक्ष कहने का अभिप्राय ये है, प्राप्त जो नहीं है ना, जो प्राप्त नहीं है उसके प्रति क्या होती, इच्छा होती प्राप्त करने की, आसक्ति होती, ठीक। इस दृष्टि से ये शब्दादि विषय में विशेषण लगाया परोक्ष, ये टिप्पणी में दिया देखो, परोक्ष इति अलब्ध दिया गया टिप्पणी, ठीक। तो परोक्ष का मतलब ये, मतलब जो शब्दादि विषय प्राप्त ही नहीं, ऐसा कह रहे, इसलिए परोक्ष शब्दादि विषय आसंग रूप अनृताक्रांतत्वाद इत्यर्थ, ये बोलते हैं यहाँ पर आसंग रूप, तो आसंग हो गया ना, आसक्त हो गया, इसलिए अनृत आक्रांतत्वाद मिथ्या वस्तु में वो व्यक्ति आक्रांत हो गया। कौन, अनुपासक, जो उपासक नहीं होता है, विचार नहीं करता है ना, इसलिए उसका मन परमात्मा की उपासना में लगता नहीं, ये कहना चाहते हैं। तो मूल हो गया विवेक नहीं है, वैराग्य नहीं है, ऐसा है। अच्छा, तस्मात, थोड़ी टीका ले लो, एतरेव विषय विमुख, विषय से यदि विमुख हो जाए, विषय के हट गया व्यक्ति, विवेक वैराग्य से हट गया, तो ब्रह्म प्राप्ति द्वाराणी, ब्रह्म प्राप्ति का जो द्वार है, समाधि है, ध्यान है ना, ये सब ले लो, समाध्यादि न विवृत्तानि, विवृत्तानि मतलब क्या, खुल गए, पहले ढके थे ना, वैराग्य विवेक नहीं है तो ढके थे सब, क्या ढका था, मार्ग साधन, तो मन, मन शांत नहीं था, और दरवाजा खुल गया, मतलब मन साफ हो गया ना उपासना के लिए, इसलिए बोलते समाध्यादि ना विवृत्ताने, सब खुल गए दरवाजे, इति अभिप्रत्य उपसंगरति, ऐसा अभिप्राय करके उपसंहार करते हैं। तस्मात् तस्याम ये तस्मात् सत्यम उक्तम एते पंच ब्रह्म पुरुषाः स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपाः इति, इसलिए ये जो पांच जो है परमात्मा के प्राप्ति के साधन होने से ब्रह्म पुरुष का द्वारपालन को पांच है, ठीक है, जैसा शास्त्र में कहा गया ना ऐसे ही चिंतन करना पड़ता, नहीं तो कहाँ ढूंढोगे, तो ऑपरेशन करके देखोगे कहाँ पर छिद्र है, शास्त्र में कहा गया यही चिंतन करना है। तो सर्गस्य लोकस्य द्वारपाय इति, अतः इसलिए स यह एतान एवं यथक्त गुण विशिष्टान सर्गस्य लोकस्य द्वारपान वेद उपासता उपासनाया वशी करोति स राज द्वारपाल इव उपासनेन वशीकृत्य तैर अनिवारित प्रतिपद्यते सर्गम लोकन राजानम इव हार्दम। इसलिए जो कोई उपासक पांच द्वारपाल की उपासना करता है, ये बोलते हैं एतान एवं यथोक्त गुण विशिष्टान, जो सब गुण बताए ना, सब ओजो वगैरह सब गुण बताया,
तो जो पूर्व में कहे गए गुणा उस गुण से विशिष्ट है कौन? द्वारपाल। स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपाल। वेद, वेद का अर्थ उपास्ते। उपासना थोड़ा बहुत तो बहुत लोग करते हैं, थोड़ा बहुत करने से नहीं होगा, उपास्य को प्रसन्न करना पड़ता है। जब तक प्रसन्न हो तब तक करना पड़ता है कि नहीं? आगे करे या ना करे लेकिन प्रसन्न होने तक तो करना ही पड़ेगा, है ना? ऐसा बोलते हैं, उपासना या वशीकर होती, उपासना के द्वारा वो इसको वशीभूत करता है देवता को, मतलब वशीभूत को जो नहीं प्रसन्न करता है ना? वशीकर होती सह वही उपासक। जैसे जैसे देखो द्वारपाल को प्रसन्न करना पड़ता है, राजा द्वारपालान इव उपासने न, राजा के जो द्वारपाल होते हैं वो जिस साधन से प्रसन्न होता है उस साधन से उसको प्रसन्न करना पड़ता है। उपासने न वशीकृत्य, उपासना दे वशीभूत करके फिर दरवाजा खोल देते ना द्वारपाल, जाओ राजा के पास ये कहना चाहते हैं, ठीक? इले ते ही अनिवारितः प्रतिपद्यते, ते ही मतलब कौन? द्वारपाल है। द्वारपाल के द्वारा वो दरवाजा क्या है खुल जाता है, अनिवारित हो जाता है, प्रतिपद्यते। इसी प्रकार ये जो देवता लोग प्रतिबंध नहीं करते, फिर प्रतिबंध डालते नहीं, इसलिए मन शांत हो गया तो शांत मन से उपासना करेगा। ये बोलते हैं स्वर्गम लोकम। स्वर्ग लोक कौन है? हार्द ब्रह्म। हार्द ब्रह्म प्राप्त किया जाता है जैसे राजा नाम इव, जैसे राजा को लोग प्राप्त करते हैं द्वारपाल की सेवा करके इव कहते हैं। अच्छा, अनियताम इसके ऊपर पंक्ति थी, थोड़ी अत के ऊपर ब्रह्म पुरुषान उक्ताम। देखो ब्रह्म पुरुष कौन हो गए? द्वारपाल। पांच द्वारपाल है ना, ये ब्रह्म पुरुष है, ये उसका अनुवाद कर दिया ब्रह्म पुरुषान उक्तान अनुद्य, उसका अनुवाद करके सफलम उपासनम फलेना सह इति सफलम, फल के साथ उपासना को दिखाते हैं। एक का द्वारपाल की उपासना करने पर परमात्मा की प्राप्ति होती है, हार्द ब्रह्म की प्राप्ति होती है, यही फल है। अच्छा, अतः सय, ये जो भाष्य में था ना अतः, इसके ऊपर अनियतानाम चक्षुरादिनाम। देखो चक्षुरादि इंद्रिया यदि संयमित ना हो, चंचल है, अनियतानाम चक्षुरादिनाम। हाँ, आजकल तो ज्यादा चंचल हो जाता है, क्यों मालूम है? जितना विज्ञान बढ़ता है उतना चंचल होता है, कि नया नया आविष्कार हो रहे ना, देखो मोबाइल है ना श्रवण जितना विज्ञान बढ़ता है उतना मन चंचल होता है, जितनी सुविधा बढ़ती ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अगर कोई विज्ञान का आविष्कार ना हो तो फिर चाहोगे क्या? होगा तब ना चाहोगे, है ना? ऐसा होता है। अनियतानाम चक्षुरादिनाम ब्रह्म प्राप्ति प्रतिबंधकत्वम, ये देखो लिखते हैं भाई, परमात्मा की प्राप्ति का प्रतिबंधक होते हैं अनियत इंद्रिया साधन, असंयमित साधन। असंयमित साधन से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? इसको संयमित करो, साधन को शुद्ध करो। नियतानाम तो तत्प्राप्ति हेतुत्तम, नियतानाम चक्षुरादिनाम, चक्षुरादि जो साधन है हमारे पास इसको क्या करना पड़ता है? संयमित करना पड़ता है। संयमित करणों में परमात्मा की प्राप्ति की कारणता है, हेतुता है, ठीक? इसलिए हेतु अर्थ में यहाँ पर दिया अतः, भाष्यकार ने दिया ना अतः, अतः हेतु अर्थ में, इस हेतु से संयमित करणों से ही परमात्मा की प्राप्ति की जाती है ना, और संयमित से नहीं हो सकती है, ऐसा कहा इसलिए कहा यथोक्त गुण विशिष्टत्वम। पूर्व में जो गुण सब बताया ना, द्वारपाल के गुण है, ये गुण से विशिष्ट हो गए द्वारपाल, चक्षुरादि द्वारपाल है,
चक्षुरादि नाम आदित्यात्मकत्वम, चक्षुरादि के साथ आदित्यादि का एकत्व कह दिया ना पहले हाँ, अनुग्राहक होने से चक्षुरादि हो गए अनुग्रहित और अनुग्राहक हो गए आदित्य, ऐसा पहले कहा। अच्छा, अदृष्टम फलम उक्त्वा, अदृष्ट फल है परमात्मा की प्राप्ति, ये तो उपासना ना है, ज्ञान तो है ही नहीं। ज्ञान का फल दृष्ट है, उपासना का फल अदृष्ट हो गया। तो अदृष्टम फलम उक्त्वा, दृष्टम फलम, दृष्ट फल कह रहे हैं, दृष्ट फल है पुरुष पुत्र के प्राप्ति, ये बोलते हैं। किंच अस्य विदुषः, विद्वान यहां पर उपासक, कुले वीरः, वो वीर उत्पन्न होगा ना, तो वीर कौन है यहां पर, पुत्र, भाष्यकार लिखते हैं वीरः पुत्रो जायते। वीर पुरुष सेवनान, अरे वीर पुरुष की सेवा की ना उसने, वीर पुरुष कौन है, देवता, वीर पुरुष देवता ना है, द्वारपाल, द्वारपाल वो उसमें परमात्मा की बुद्धि से उत्पन्न हुई है, वो उपासना किया, इसलिए पुत्र उत्पन्न होगा वीर वीर पुरुष सेवनात टीका थोड़ी से अब कुल को जो लोग बोलेंगे कि परमात्मा की प्राप्ति में लगा है, तो पुत्र की प्राप्ति क्या उपयोग है उसका, जतोक्त पुत्र उत्पत्ति, जतोक्त पुत्र कौन है, वीर पुरुष, वीर पुरुष की जो प्राप्ति है उत्पत्ति, ये तो उपयुक्त नहीं है। विवक्षित ब्रह्म प्राप्त हो, विवक्षित ब्रह्म कौन, हार्द ब्रह्म, हार्द ब्रह्म की प्राप्ति में अनुपयुक्ता पुत्र की प्राप्ति क्या उसका उपयोग, इतिहास क्या है, बोलते हैं है उपयोग, बहुत उपयोग है, कि तस्य चरणा पा, तस्य चरणा पा करणेन ब्रह्मोपासना प्रवृत्ति हेतु तम ये जो पुत्र की प्राप्ति है ना, ये प्रवृत्ति के हेतु होता है, ब्रह्म उपासना प्रवृत्ति हेतु तम, परमात्मा की उपासना जो है ना उसमें प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति का हेतु हो गया कौन, पुत्र की प्राप्ति, अरे पुत्र की प्राप्ति है ना तो ऋण से छूट गया वो, पुत्र ऋण से छूट गया, हाँ इसलिए जो है ना पुत्र नहीं तो फिर गोद में लेते हैं लोग, लेते कि नहीं, ऐसा होता है लेते हैं, ऐसा हमने सुना है तो आए क्या जी, विरक्त आपको, आप क्यों उपासना करेंगे, आपको करने की आवश्यकता नहीं, आप आपके लिए पूछ रहे हैं, दूसरे के लिए पूछ रहे हैं, हाजी अजय जो पुत्र, अच्छा यही कह रहा हम, नहीं ये तो गृहस्थ के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पर ब्रह्मचारी के लिए नहीं हो, ब्रह्मचारी को गायत्री उपासना करेगा, क्या उपासना करेगा, ये उपासना नहीं करेगा वो ब्रह्मचारी हो तो, ये गृहस्थ के लिए उपासना कही जा रही है, किसके लिए, हाँ गृहस्थ के लिए उपासना कही, हाजी किसका, ब्रह्मचारी कह रहे हैं, ब्रह्मचारी कहेगा वो, हाँ हाँ तो फिर वो मुक्त नहीं होगा, तो फिर जो है नहीं, जब तक ब्रह्मचारी है, वो कह रहा मैं, जब तक ब्रह्मचारी है ये उपासना नहीं करेगा, वो अन्य उपासना करेगा, गायत्री आदि उपासना करेगा, है ना, ये तात्पर्य। और गृहस्थ यदि हो धन में ना, और पुत्र यदि प्राप्ति नहीं है तो किस ऋण से मुक्त हो जाए, ये कौन सा ऋण होगा, पुत्र ऋण होगा उनको, पितृ ऋण होगा, हाँ ऐसा होता है। और बोलते हैं ब्रह्मचारी है, तो ब्रह्मचारी भी पुत्र ऋण, तो उनको भी पुत्र ऋण लगेगा, हाँ इसलिए क्या करो फिर, हाँ नहीं नहीं शिष्य बन इसलिए क्या करना पड़ता है, सुनो विचार है ना, इससे तो संन्यास हो, तो गृहस्थ में जाओ,
नहीं तो सीधे संन्यास जाओ, सच में कि नहीं तो क्या करो नैष्टिक में जाओ। सबके लिए विधान है भाई, विधान किया गया। ठीक है, ब्रह्मचारी हो तो उनको नियम क्या है, गृहस्थ में जाएगा, ठीक है, नहीं तो क्या करेगा, संन्यास में जाएगा, नहीं तो गुरु के पास आजीवन रहेगा। गुरु के पास जो आजीवन रहेगा उसको बोलते हैं नैष्ठिक। क्या बोलते हैं उसको? उसको नहीं, वो पुत्र नहीं होगा, उनको पुत्र से मुक्त हो जाएगा। एक प्रकार से सन्यासी है, आए समझ में? हाँ, ब्रह्मचारी हो तो तीनों में कहीं से उनको जाना पड़ता है, किसमें? गृहस्थ में, हाँ, इसलिए गुरु की आज्ञा से वो संस्कार करके, समावर्तन आदि संस्कार करके वो गृहस्थ में जाना पड़ता है। किसकी आज्ञा से? हाँ, गुरु की आज्ञा। किसको? ब्रह्मचारी को, है ना, गुरुकुल में अध्ययन किया गुरु के पास, है ना, फिर गुरु की आज्ञा से वो संस्कारित होकर के कहाँ जाएगा? गृहस्थ में जाएगा। ऐसे नहीं आजकल मनमानी करते हैं, गृहस्थ में जाएंगे तो हम विवाह भी नहीं करेंगे, संन्यास भी नहीं लेंगे, अनैष्ठिक भी नहीं लेंगे, ऐसे नहीं होता है। घर में रहना है तो क्या है, गृहस्थ बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? हाँ, नहीं तो उनका अधिकार नहीं होता। शास्त्रीय दृष्टि से बोल रहे हैं, जो नहीं मानता उनके लिए क्या है, नहीं मानने के लिए तो कोई शास्त्र ही नहीं होता है। ठीक है, चलो ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलो, तस्य च ऋणापकरण, देखो भाई, ऋण को हटाने के लिए, तस्य च ऋणापकरण, तो ऋण को हटा करके तो क्या होता है फिर, ब्रह्म उपासना प्रवृत्ति द्वितम, ब्रह्म की उपासना में उसकी प्रवृत्ति हो जाएगी। ये तो प्रतिबंध होता है ना। उसका मन लगेगा नहीं, और थोड़ा बहुत मन लग भी गया फिर हट जाएगा उसका, वो ऋण है, ऋण है वो, ऋण वो प्रतिबंध डाल देता है। बहुत कुछ नियम होता है शास्त्र में भाई, इसलिए भगवान भाष्यकर जानते हैं, तस्य च ऋण अपाकरण ब्रह्म उपासना प्रवृत्ति हेतु तम ततश्च, आगे देखो भाई। स्वर्गलोक प्रतिपत्ति, ये देखो, वो ऋण से हट गया ना तो परमात्मा की उपासना में वो लग गया हो, ठीक है ना, इसलिए स्वर्गलोक प्रतिपत्ति, स्वर्गलोक परमात्मा, परमात्मा की प्राप्ति के लिए पारंपरणा भवति, परंपरा से ये हेतु बन गया, पारंपरणा भवति थी, स्वर्गलोक प्रतिपत्तिर एव एकम फलम, परमात्मा की प्राप्ति, स्वर्गलोक परमात्मा आनंद स्वरूप, उसकी प्राप्ति यही हो गया मुख्य फल, मुख्य फल एक ही है, एकम फलम, एक ही मुख्य फल है। अच्छा, कुछ है टीका में आजको इसके ऊपर, पुत्रस्य, ये देखो लिखा है यहाँ पर, पुत्रस्य ध्यान अनुसारितम ततः शब्दार्थ, ऐसा दिया कि हेतुत्तम भी दिया है, हेतुत्तम कोष्टक में दिया है, कोष्टक में दिया, ये ततः कह दिया ना, कहाँ पर ततः, ततश्च, ये पुत्र परमात्मा की प्राप्ति में हेतु हो गया, किसके द्वारा, ध्यान के द्वारा, उपासना के द्वारा, पुत्र की प्राप्ति होने पर ऋण छूट गया, पुत्र ऋण से मुक्त हो गया, पुत्र ऋण से मुक्त हो जाएगा तो उपासना में लग गया वो, है कि नहीं, इसलिए परंपरा से ये पुत्र की प्राप्ति ब्रह्म प्राप्ति में क्या हो गया, हेतु हो गया, ऐसा है। पारंपरणा उपासना द्वारा इत्यर्थ, पारंपरिक यही है, उपासना के द्वारा, उपासना के द्वारा, नहीं तो लोग बोलते हैं अब हमने जो कर्म करना था हमको सब कर दिया, अरे क्या, बच्चों को सब कर दिया, विवाह करा दिया, सब काम में लगा दिया, है कि नहीं, और क्या है, तो हम हैं, हाँ आप फ्री हो गए, तो फ्री हो गए तो फिर आओ, फिर आश्रम में आओ, ऐसा बोलते ना, आश्रम में आओ, हाँ, लेकिन सब छोड़ करके आओ, हम तो सब छोड़ चुके हैं ना, ऐसा बोलते हैं, सब छोड़ चुके हैं, अच्छा बैंक बैलेंस नहीं, उसके बिना कैसे काम चलेगा। पहले तो बोले सब छोड़ चुके हैं, लेकिन बैलेंस
उसके बिना काम नहीं चलेगा। अच्छा आगे देखो अगला मंत्र में गायत्री उपाधिकम समय कितने समय हो गया ध्यान निध्यान। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदः पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्य के सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो ईश्वर गुरुराव ईश्वर व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्ते। ओम शांति शांति शांति।